बड़ी खबर यूपी के बागपत से है, जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज खिड़की तोड़कर फरार हो गया। बताया जा रहा है कि किशोर की तलाशी के लिए 3 टीमों का गठन किया गया है। एसपी ने किशोर की गिरफ्तारी के लिए इन 3 टीमों का गठन किया है। पिस्टल चोरी के मामले में इस किशोर को गिरफ्तार किया गया था। बताया जा रहा है कि ये बिहार का रहने वाला है और इसका नाम राजन है। तो फरार किशोर की तलाश के लिए एसपी ने 3 टीमों का गठन किया है। इसके साथ ही एसपी का कहना है कि किशोर की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। बता दें कि बागपत में कोविड-19 अस्पताल से कोरोना पॉजिटिव किशोर बीती रात खिड़की तोड़कर फरार हो गया था और इसे दोघट थाने से पिस्टल चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि 3 दिन पहले ही खेकड़ा जेल से उसे खेकड़ा अस्पताल में भर्ती कराया गया था पॉजिटिव पाए जाने के बाद। वहीं एसपी ने अब 3 टीमों का गठन कर दिया है और साफ तौर पर उनका कहना है कि किशोर की जल्द ही गिरफ्तारी कर ली जाएगी। रंजन नाम का एक अभियुक्त सर्वोदय हॉस्पिटल से जो कोरोना पॉजिटिव था, 14 तारीख को यहाँ शिफ्ट किया गया था। आज रात 12:30 बजे के बाद उसके भागने की सूचना प्राप्त हुई है। इस सूचना पर हम डीएम साहब, धन साहब यहाँ मौके पर हैं। तलाश के लिए 3 टीमें रवाना कर दी गई।